आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी चिल्ली पटेटो घर पर ही, और वो भी वैन वाले। जो आप वैन पे जाकर खाते हैं वो वैन वाले चिल्ली पटेटो आपको घर पे ही बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा वो बनाते हैं उसी तरीके से आपको सेम तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चिल्ली पटेटो बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, आपको आलूओं को छील के और उन्हें धो के थोड़ी देर सुखा लेना है, उनका पानी ड्राई हो जाना चाहिए, और उसके बाद में उसे शेप में कट कर लेना है। फिर एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है और इसमें ऐड करना है आपको फूड कलर, रेड कलर का 1/2 टीस्पून, और उसके बाद में 2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, उससे पानी छोड़ देते हैं। ये अच्छे से आपका सारा कॉर्नफ्लोर आपके आलूओं में मिक्स हो जाएगा, और आपको अच्छे से ऑयल हीट कर लेना है और हाई फ्लेम पे ही आपको ये सारा प्रोसेस करना है। आपको सारे आलूओं को फ्राइज को अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करके और इसे निकाल लेना है, और उसके बाद में आपको इस ऑयल को निकाल देना। और इसी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हमने ऐड किया है, और इसमें ऐड करा है हमने चॉप किया हुआ लहसुन। जी हाँ, लहसुन बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चाइनीज डिश आप बनाते हैं उसमें लहसुन का, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट निकल कर आता है। वो इन्हेंस करता है आपकी हर रेसिपी को, चाइनीज रेसिपी को। तो जब आपका गार्लिक हो गया है ब्राउन, और उसके बाद में आपको ऐड कर देना है अपना शिमला मिर्च और प्याज कट की हुई। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज लंबी कट की हुई है, और एक प्याज ली है, एक शिमला मिर्च ली है, क्योंकि मैं थोड़े से चिली पटेटो बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही क्वांटिटी में। साथ ही ऐड करा है 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, और ऐड करा है 1 चम्मच मिर्च पाउडर। स्पाइसेस थोड़ी कम रखी हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। और इसमें साथ ही ऐड करा है नमक स्वाद अनुसार। ऐड करा है मैंने पिज़्ज़ा सॉस 1/2 चम्मच, गुस्सा सॉस, और ऐड करा है इसमें टमाटो केचप 1 से 1/2 चम्मच। मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करा है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के, वो इसमें ऐड करा है। जी बहुत ज़रूरी होता है, चिली पटेटो आपके तभी अच्छे से बनते हैं और लेस लेस से बनते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है जो आप पानी में मिला के ऐड करते हैं। साथ ही ऐड कर देना है थोड़ी देर में। अब ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए हम फ्रेंच फ्राइज, और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। मुझे कम लग रहा था स्वाद अनुसार, तो मैंने नमक इसमें और ऐड करा है, और ऐड कर दिया ऊपर से थोड़ा सा केचप और इसमें मैंने हनी का यूज़ नहीं करा है। अगर आपको हनी पसंद है तो आप इसमें हनी थोड़ा 1 चम्मच डाल सकते हैं। मुझे हनी का टेस्ट पसंद नहीं है, और इसे गार्निशिंग करें आप ग्रीन अनियन से।